सरकार कह रही है कि आंदोलन करना चाहते हैं किसान आंदोलन कर ले, लेकिन ट्रैक्टर ट्रालियों को क्यों यूज कर रहे हैं? एक एक ट्रैक्टर 1,25,000 के बराबर है। कमिटमेंट की है मोदी ने वो मान लो, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा आपको। नहीं मेरे को बताइए मोदी साहब को भी आप पैदल चले जाओ, जब जाते हैं कहीं पैदल चले जाओ। बैठे हैं ट्रैक्टर कपड़े मार रखे ने, पर हुण सरकार ये नहीं होगी है भी अलग अलग थावां ते रोक रही है, जान नहीं जाते साढ़े भी हम ट्रैक्टर रोकी गए भी एक रिहर्सल कर रहे हैं। नैशनल मीडिया का कोई भी चैनल आया कल उन्होंने बंद हो, कोई नैशनल मीडिया आया जो कोई आएगा भी वो साड़ी गलत खबर ही चलाएगा। ट्रैक्टर या टैंक, क्या माहौल है इन चीज़ों को लेकर? सरकार कहीं ना कहीं बोलती दिखाई देती है कि जो किसान है उन्होंने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करा रखा है, हथियार बंद कर रखा है। हम एक ट्रैक्टर पर बैठे हैं और मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि इस ट्रैक्टर को थोड़ा अच्छे से दिखाएं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। क्या ये ट्रैक्टर है वही ट्रैक्टर जो किसान यूज़ करता है खेतों के अंदर, खेतों के अंदर फसलों के लिए, जो फसलें हमारे घरों तक पहुंचती है, या फिर आपको इसके अंदर कोई हथियार दिखाई देते हैं? ऐसा क्या माहौल है जो सरकार सिर्फ ट्रैक्टरों से ही ज़्यादा डरी है, या फिर सरकार को एक बहाना चाहिए किसानों को आगे बढ़ने से रोकने का? वीर जी तुसी ट्रैक्टर लेके आए हो, सरकार का ये कहना है कि ट्रैक्टर मॉडिफाई किए हुए ने, इनके अंदर हथियार भी हो सकते हैं, किस तरह के हथियार तुसी रखे हुए हैं? यार जिदा का साडा ट्रैक्टर है आपका समान पूरा नहीं है गा, हथियार कितों रख लेंगे यार? साढ़े तो हिसाब लाला भी अद्धा समान तो अभी घर ला के रखा हुआ है, ये हथियार रखने का थान है कितने तुम ट्रैक्टर से बैठे हो कितों भी तुम्हें लगता भी ये हथियार होगा कोई ना, असं हथियार करने की है साढ़े को आपका संद है यार ट्रैक्टर है, सू हथियार की लड़ ही नहीं, एडे एडे शरीर है यार कहते लड़ नहीं हथियार की। सरकार कह रही है कि आंदोलन करना है, आंदोलन करे, ट्रैक्टरों का यूज़ क्यों हो रहा है फिर? देखो जी जे आंदोलन करना है कल हत्थां नाल आंदोलन नहीं हुंदा गा, मतलब जे सरकार नूं इन्ना ही होवे भी जे आंदोलन करन देना है तो फिर उन्होंने राह क्यों रोके हुए है? राह खोल देन उत्थे जाके बहना ही है, अगे भी बैठे सीगे हुण फिर जाके बह जाएंगे, सानू तो वो कोई दिक्कत नहीं गी, दिक्कत तो सरकार नूं आ रही है ना भी इत्थे क्यों आ रहे ने, हालांकि लंघ के इन्हों रावों तो जाना पहला भी इतों की गए हैं, कोई दंगा नहीं करते, दंगा तो सरकार आप करा रही है, साढ़े वीर इतने बार्डर से लड़ी जाते उन्होंने प्लास्टिक गोलियां मार मार के इन्ने जख्म करते, एक दिन कल मौत होगी बुजुर्ग की, जिहड़ियां धूए दियां वो गोले सिट दे तो एक बुजुर्ग की मौत होगी कल, तो 10-15 उत्थे सीरीयस पे ने, उन्होंने चीज़ों का की मतलब है? अगर बात करें जैसे किसान आंदोलन है, जर्मनी में भी जनवरी के समय किसान आंदोलन हुआ था, वो भी ट्रैक्टर लेके निकले थे, उनके ट्रैक्टर जो हमारे देश के ट्रैक्टर से काफ़ी ज़्यादा हाई मॉडिफाई होते हैं, बड़े होते हैं, दिखने में अच्छे भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कभी सरकारों ने ये नहीं हुआ कि हाईवे को खोद दिया और रास्ते बंद कर दिए, लेकिन हमारी सरकार का ये रवैया, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो जी सरकार, ये सरकार नहीं है कोई, लोकतंत्र तो यहाँ पर बिल्कुल भी ख़त्म है। हम अभी आए हैं 25 किलोमीटर दूर से आए हैं तो हमारे से कम हमने 4-5 गाड़ियों वालों ने हमें रोका हाथ मार के, हम अपने खेतों में से निकाल के ट्रैक्टर लाए हैं, वो ट्रैक्टर देख लो पूरा लिपट चुका है, इनको तो चलो हमने पानी मार लिया था, उसके टायर बड़े थे उसके तो बस और कुछ लिबड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका रवैया जो है बहुत अलग नज़र आता है। 400 से जो ज़्यादा किसान है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, कुछ सिविल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, कुछ प्राइवेट अस्पतालों के अंदर एडमिट है। 300 से जो ज़्यादा किसान है उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, एक किसान है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, किसानों का कहना है कि हम उसे शहीद का कहते हैं, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो किसान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने में लगा हुआ है, और अभी देर में जो है यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, किस तरह का ये ट्रैक्टर मार्च रहता है हम आपको आगे दिखाएंगे। आज मैं पहले तो जितना भी सरसा का मीडिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आभार व्यक्त करता हूँ सभी का यहाँ पर पहुँचने के लिए, और लगातार जितने भी हमारे चैनल्स हैं वो लगातार हरियाणा के चैनल है, यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सभी दिखा रहे हैं, पर सरकार की इस पर निंदा करूँगा भी पिछले 7 दिनों से इंटरनेट बंद है, 15 से 21 कर दिया बड़ा के, तो सरकार इतनी बेशर्मी भी उतर चुकी है, अभी अरबों करोड़ों का नुकसान हो रहा है व्यापारी वर्ग का, और जितना भी इंटरनेट से माध्यम से सिस्टम चलता है, डिजिटल इंडिया का नाम लेते हैं मोदी जी, तो अब सारा कुछ बंद है, क्यों बंद है? तो आज जो ट्रैक्टर मार्च परसों कॉल दी गई थी, मीटिंग हुई थी कल, हमारी बावदी ने टोल प्लाजा और खुईया टोल प्लाजा दोनों फ्री किए गए, पूरे हरियाणा में टोल फ्री किए गए हैं, और बंद हन का था सदा वो भी कामयाब रहा। आज एमरजेंसी में कॉल दी गई थी, मैं बताना चाहता हूँ आप सबको इस चीज़ को पूरी चलाना, क्योंकि हमारे लोग गांव में इतने डरार रखे हैं,
मीडिया में भी चली थी कुछ खबरें, प्रशासन ने अभी वहाँ से बॉर्डर चारों तरफ से पहले तो सरसा को छावनी बना रखा है, सरसा को चारों तरफ से आप कहीं से भी आना चाहोगे आ नहीं पाओगे। हम भी घूम घूम के आते हैं, अभी ट्रैक्टर दो ट्रैक्टर पीछे वापस, पाँच ट्रैक्टर वापस चले गए हैं, क्योंकि वहाँ से उनको आने नहीं दिया, गुजरने नहीं दिया गाँव वालों को। और गुरुद्वारों में जब कोई अनाउंसमेंट करने जाता है तो उनको अनाउंसमेंट नहीं करने दी जा रही, वहाँ भी पुलिस प्रशासन ने पहरा लगा रखा भी आपने अनाउंसमेंट नहीं करनी। सरकार इतना नीचे गिर चुकी है, आज हम खुद जाके सुबह खुद करके आए हैं तो लोग एक बार गांव में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अभी एक बार ट्रेलर है, शुरुआत है ग्राउंड लेवल पे, आगे आगे देखो होता है क्या। तो कल को 18 तारीख की कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर मीटिंग है पूरे हरियाणा की, जिसमें खाप पंचायतें बुलाई गई हैं, जिसमें टोल कमेटियां हैं, लंगर कमेटियां हैं और जितने किसान संगठन हैं उनको बुलाया गया। उसके बाद बड़ी रणनीति बनाई जाएगी और जो आज का ट्रैक्टर मार्च है, एक बार एमरजेंसी में जितने भी आए, एक एक ट्रैक्टर 1.25 लाख के बराबर है, ये ना समझियो भी आज गिनती कम है, क्योंकि एमरजेंसी कल की तैयारी की हमने, रात शाम को चले गए, आज सुबह फिर एकदम फिर कॉल है। तो एक बार देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। और सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं भी आप जो हमारे किसान भाई वहाँ पर बैठे हैं, तशद्दुद करना बंद कर दो और जो मांगे हैं, कमिटमेंट की है मोदी ने, वो मान लो, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा आपको। सरकार कह रही है कि आंदोलन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन कर ले, लेकिन ट्रैक्टर ट्रालियों का क्यों यूज़ कर रहे हैं? नहीं, मेरे को बताइए, मोदी साहब को कहो भी आप पैदल चली जाओ, जब जाते हैं कहीं पैदल चले जाओ। सर, अब दिल्ली जाना है, दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारी कैपिटल है, हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमने जाना तो साधन पर तो जाएंगे ना, वो जमाना थोड़ी है बाबा आदम का भी पैदल चले जाते, उस टाइम था पैदल साधन नहीं थे। आज एक तरफ तो आप डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो, तो किसान को ट्रैक्टर टाली, अब मान लो पंजाब से गुजर के वो हरियाणा के शंभू बॉर्डर तक आए हैं, कनौरी बॉर्डर तक आए हैं, कहीं कोई हिंसा हुई है तो अब दिल्ली तक जाएंगे? पहले कहीं हुआ है? दिल्ली पे 13 महीने बैठे हैं, वहाँ कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, 13 महीने बैठे रहे, आराम से सब कुछ चल रहा था। और लोगों को सरकार तो इतना गिर चुकी है, राजस्थान पर अडर, पंजाब में बीजेपी की सरकार है। कल एम्बुलेंस को एक वीडियो देख रहा था, एम्बुलेंस वाले को भी नहीं गुजरने दिया जा रहा है, यहाँ तक गिर गई है। तो किसान तो कहीं नहीं किसी को रोक रहे हैं, कोई भी जा रहा है रास्ता बना के दे रहे हैं। एक और एक मिनट सुखप्रीत जी, क्या दिल्ली पे कुछ करने का? नहीं देखिए, उसमें कल मीटिंग है सारे हरियाणा के संगठनों की, उसमें वहाँ पर चर्चा की जाएगी पूरे मंथन से। तो अगर जैसे ही वहाँ निर्णय होगा, वो निर्णय आपके सामने रखेंगे हम लोग। तो अब तक जो है वो आपका ग्रुप क्यों नहीं जा पाया वहाँ पे? कोई बातचीत होनी होगी, उसमें तमाम संगठन वहाँ पे पहुँचे हुए हैं बॉर्डरों पे, आपका संगठन अभी जिला लेवल पे तैयारियां कर रहा है। देखिए देखिए, उसमें क्या है, SKM बनाने वाले थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो रही, राज्यवाल हो रही, और उन्होंने जब 2018 में ये लड़ाई शुरू की थी, जो तीन काले कानून आए थे 2018 में लॉन्च कर दिए थे, 20 में लागू किए थे इन्होंने सरकार ने, जब वो SKM तैयार किया था तो ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राज्यवाल, ये बड़े चेहरे थे उस टाइम। अब जो उन्होंने किया था, उसके बाद जैसे इलेक्शन लड़े, चुड़ूनी साहब कहते हैं, हम भी कहते हैं भी किसानों को राजनीति करनी चाहिए, यहाँ से ये कानून बनते जब तक वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे, यहाँ पर ये लाठी और थ्रू गैस के गोले और ये गोलियाँ इसी तरह बचती रहेंगी, और आने पहले भी बचती रही, आने वाले समय भी बचती रहेंगी। उन्होंने कहा भी राजनीति करके, इन्होंने फिर उसके बाद राजनीति संगठन बना लिया था। राजनीति बनाने के बाद इन्होंने पंजाब वालों ने, और जो भी 2-3 संगठन हरियाणा के हैं, उन्होंने वहाँ पर कॉल दी थी, उनकी पर्सनल कॉल थी, उसमें हमें ना तो कोई बुलावा आया, ना कोई सद्दा आया था, ना किसी ने कोई मीटिंग करने के लिए बुलाया, ना कोई लेटर भेजा भी आप आओ भाई। तो बिन बुलाई बरात में तो कोई भी नहीं जाता, आपको भी पता है। तो जब कोई बुलाएंगे तभी जा सकते, क्योंकि एक ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि MSP, उसके बाद स्वामीनाथन की रिपोर्ट, उसके बाद कर्ज माफी, ये इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं, ये नहीं है भी ये कोई एक जिले के या कस्बे के हैं, ये बहुत बड़ी बिग लड़ाई है। तो इस लड़ाई को जीतने के लिए रणनीति भी बड़ी चाहिए, तो पूरे हिंदुस्तान के संगठन को लेना पड़ेगा। ये सरकार इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है, उसमें हमारे 750 बंदे गए हैं अभी, पता नहीं गिनती, कल एक किसान शहीद हो गया, शहीद हुआ है, 150 से ज्यादा, किसी की टांग टूट गई, किसी की बाजू टूट गई, किसी की आंख चली गई। आप सुनने में आया मेरे को, औड्डा गांव का लड़का है, उसकी आंख चली गई है जिसपे एक अथरू गैस का गोला लगा है। तो अब मान लो उनकी जिम्मेदारी किसकी है? अब जो लोगों को अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी कॉल देते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिन लोगों को लेके जाएंगे पूरे हरियाणा को लीड कराएंगे, उनको सही सलामत वापस लेके आना, लेके जाना आसान है, वापस लेके आना उससे भी मुश्किल है। तो एक एक बंदे की जिम्मेदारी है हमारे लिए। तो इस चीज़ के लिए जब भी वहाँ से हम उनकी, जो हमारे वहाँ पे किसान शहीद हुआ है, जिनकी चोटें लगी हैं, उस चीज़ को देखते हुए हमारी जूनियर ने सारे संगठनों ने कॉल दी है, कल की बड़ी मीटिंग है, उसमें भी बड़े फैसले लिए जाएंगे और हम उनके साथ हैं। सरकार को कहना चाहते हैं भी मांगे मान लो, नहीं तो फिर कूदने से ना आज पीछे हटे ना कल हटे हैं। चुड़ूनी साहब को बैरीगेट तोड़ने की मशीन कहा जाता है, तो ये बैरीगेट टूटेंगे जब वो चलेंगे। तो धन्यवाद। सरकार ने एक हवा बना रखा है, जेडे गोदी मीडिया चैनल ने ड्रा बहुत रखा है, तो अभी तुम कह रहे हैं भी अगे 378 दिन चलिया, मंगा बड़िया वटिया ने, ये हले लोगों चल रहे
रहे हैं, टाइम लग रहा है, कट्ठे कर रहे हैं, उन्होंने एक डर कटना भी जरूरी है। हमने इकट्ठे हो सारे काम कर रहे हैं। दूजी गल जो दसिए भी एस के एम का जो बुलावा है ना संयुक्त मोर्चे का, तो फिर अभी पिछे नहीं हटा, अभी सारे कर रहे हैं। इन्होंने इन्ना ज़्यादा खौफ कर रखा, ताकि कुर्की कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो गुरुद्वारे च मंदिरों च भी डरावा दिता जा रहा है। इतों तक कि भी जिम्मे सा मान लो पंजोखरा साहब गुरुद्वारे उत्थे भी बाद बीजेपी ने कब्जा करके उत्थे पुलिस पाती, तो उत्थे कल पजाया भी उत्थे अंदर जाके ये दारूआं पींदे ही, ये शर्म आनी चाहिए ही। उन्होंने भी कहने कई जड़े सरदार ने जिन्होंने पगों च सिर फसाए ने, जेडे बीजेपी की दलाली करते हैं, कल उतों पजाए ने, तो इतने हूँ कट कर रहा। तो जो अंदोलन उठेगा उठन लगे जिमें ना माल गड्डी उठन लगे चल टाइम लगता, जो तुर पी फिर रुकती नहीं गई, तो जो टाइम लगेगा हूँ अंदोलन है बड़ी वड्डिया मंगा ने चल पे जागरूक कर रहे हैं, बार ड्यूटियां लाई गई, जो तुरंगे तो फिर सारे पट्टे जाएंगे तो सारे हक लैके रहेंगे। आज का ट्रैक्टर मार्च है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है जी असी सारे करके भी हम कई जड़े पिंड सानू भी कहते थी बैठे हाँ ट्रैक्टर कपड़े मार रखे ने, पर हूँ सरकार ही इन्नी हो गई है भी अलग अलग थावान से रोक रही है, जान नहीं जाते साढ़े भी हम ट्रैक्टर रोकी गए भी एक रिहर्सल कर रहे हैं भी ट्रैक्टर लैके पहुँचो, लोगों कह रहे हैं भी हूँ इतने भी हो गया, कुछ मोर्चे भी लग गए जिम्मे पंजुआ ने वखरा लाता सारे हम कल ऐसे बस कल गुरु राम सिंह जलोनी कॉल दी भी सारे की कड़ना है, कल किसान भी यूनियन नहीं सरपंच भी हो गए समाजिक संगठन हर किसी की खा पंचायत भी उत्थे आ के सारे विचार दो, सारे की रणनीति बनाओ, कट्ठे हो जाओ, दुश्मन बहुत तकड़ा तो शदम है। हम रात को खबर चलाती लखे सदाने गोली चलाती, सानू आपसे पढ़ जाना नैट बंद है, सरकार आपकी खबर आप चलाती है, सानू आपसे जी पढ़ने वास्ते मान लो नैट चलते ही आपकी गल शो नहीं कर सकते, जोड़ा इन्हों का मीडिया अबानी अडानी चैनल आपकी आप खबर चलाते हैं, अतवादी आतंकवादी आप ही घोषित करते हैं। सो ये हौली हौली कर रहे, मान लो जे असी अगे कॉल कर देंगे ही तो नैट बंद नहीं होते, बड़ा स्प्रैड होंगी ही, इस हम पता ही नहीं लगता गा, क्योंकि जो टीवी देने वो साड़ी खबर तो चलाते नहीं, इन्हें तुम जब को इन्ने चैनल आए जे नैशनल मीडिया का कोई भी चैनल आया कल हूँ बंद हो, कोई नैशनल मीडिया आया जो कोई आएगा भी वो साड़ी गलत खबर ही चलाएगा भी उत्थे आप थे चलाड़ पे इंज हो गया। तो पहले की तरह गोदी मीडिया का विरोध करेगा किसान? गोदी मीडिया पूरा जरा कर कल उत्थे जगविंदर पटियाल बजाया जरा उत्थे करता है, जरा यह गोदी मीडिया जरा अंदर जाके लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू करता है जगविंदर पटियाल ने की उन्होंने उत्थे बजाया गया, तो इस करके जिमें जो मान लो जे करे हम तुम इतने आए बैठे जे साढ़े भी पता नहीं किन्ना प्रेशर होएगा, पर तुम पता भी मान लो कई चैनल साढ़े सारे चू पहला किसान अंदोलन होया थी उदो खड़े हुए थे, मान लो वधी गई मैंबरशिप तो हूँ ताड़ा नाम होया इन्हें तो अगे वधोगे, तो इस करके मान लो ताडे नूं हौसला ही ताड़ा सारे धन्यवाद करते हैं, तो जिहड़ा विरोध करेगा साडा विरोध है तुसीं साडा साथ दोगे तो तुसीं सानूं कॉल करोगे अभी ताडे नाल रहांगे जी। और डब्बली में भी आज ट्रैक्टर मार्च है? हाँ जी दो जगह है डब्बली डब्बली और यहाँ पर, क्योंकि मैं ब्लाकों करके दो तीन ब्लाक उधर हो गए इतने हो गए तो इस करके गए। ठीक है जी कोई गल नहीं, धन्यवाद ताडा सारे का पहुँचा। हाँ जी रूट क्या रहेगा जी ट्रैक्टर? रूट साडा इतों अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ से चलेंगे फ्लाईओवर के अंबेडकर चौंक, अंबेडकर से सागवन चौंक, सागवन से डब वाली, क्योंकि देखो लोग पहले परेशान है, व्यापारी भी मजदूर भी दुकानदार सब परेशान है, इतने डिस्टर्ब कर रखे, सबसे परे हो रही है बात, तो उन चीज़ों को देखते हुए हम एक बार 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 मंडी में समाप्ति करेंगे, एक पास मंडी में बाईपास बार बार जाएंगे ताकि लोग डिस्टर्ब बनाओ, कारोबार डिस्टर्ब बनाओ, क्योंकि पहले मार्केट बहुत हालात नाचक बने हुए हैं। जरा कट हो जाएगा कल सारे होगा सारे जितने बंदे इकट्ठे हो गए जिम्मे हम वक्रे वक्रे बैठे ने इकट्ठे हो गए फिर तगड़ा मैसेज आएगा जी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीरें ट्रैक्टरों का जो मार्च है शुरू हो चुका है और साथ में जो पुलिस बल है वो भी साथ में गाड़ी लेकर जा रहा है, अभी पुलिस की गाड़ी टपी है और सिलसिलेवार तरीके से जो ट्रैक्टर है वो यहाँ से मार्च करने के लिए निकलेंगे अपनी मांगों को लेकर। जो किसान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, MSP का मुद्दा है, 16 फसलों के ऊपर उन्हें MSP चाहिए और उसके अलावा जो है वो उनके कई मांगे हैं जिनको लेकर जो है वो हरियाणा के जो बॉर्डर है वहाँ पर बैठे हैं और सरकार यही कहती दिखती है किसानों के लिए कि वो आंदोलन करे पर ट्रैक्टरों का यूज ना करे, लेकिन किसानों का यही कहना है कि वो कि ट्रैक्टर उनकी जान है, उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक अहम हिस्सा है
उसको लेकर जो है वो यहाँ पर जो है मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक एक ट्रैक्टर की हम कहेंगे कि तस्वीरें आप अच्छे से देखिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये ट्रैक्टर है मॉडिफाई कराए हुए हैं, इसमें हथियार हो सकते हैं। तो क्या देखकर आपको लगता है ये जो ट्रैक्टर है ये आम खेती बाड़ी वाले ट्रैक्टर है या कोई मॉडिफाइड टैंक है? पूरी की पूरी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो चरूनी ग्रुप की कॉल आई थी आज ट्रैक्टर मार्च को लेकर, उसको लेकर जो है पूरे सिलसिलेवार तरीके से जो है ट्रैक्टर है वो आपको दिखाई देंगे। और पूरे जो किसान है वो दिखाने के लिए कि हरियाणा के अंदर भी वही तो आंदोलन को लेकर उनकी सहमति है जो पंजाब के अंदर दिखाई दे रही है। और अभी जो इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है इसके कारण से जो है हरियाणा के संगठन जल्दी से आगे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन के पूरे साथ हैं। और देख सकते हैं किस तरीके का जो माहौल है वो बनता जा रहा है।